नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले चंद रोज से मेरे ख्याल में बुध की बात है, आज इतवार है, चार दिन हो गए हैं इसको। बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में तुलुबा की रहनुमाई में जो है मुजाहरे हो रहे हैं, बज़ाहिर सामने तुलुबा है यानी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हकीकत में इस एजिटेशन के पीछे अपोजिशन है। पिछले 15 साल से शेख हसीना वाजिद, उसकी हुकूमत है, अवामी लीग की हुकूमत है, और इसको कई मर्तबा वहाँ की जो अपोजिशन है, ख़ास तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जिसकी वो है बेगम खालिदा ज़ियाउर्रहमान की बेवा है वो, और दूसरी जमायत इस्लामी। जमायत इस्लामी तो बजात खुद बांग्लादेश के बनने के ख़िलाफ़ थी, और 71 की जंगे आज़ादी में उसने पाकिस्तान की फ़ौजों का साथ दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको इख्तलाफ़ करने का हक नहीं है। वो इख्तलाफ़ कर सकते हैं, मुजाहरों में हिस्सा ले सकते हैं। अब कहते हैं कि इतनी हालत ख़राब हो गई है कि एक तो इंटरनेट की सारी जो फैसिलिटीज़ है काट दे दी गई है, फ़ोन नहीं लग रहे, और कर्फ्यू लगा दिया गया है बड़े बड़े शहरों में, जो है लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हालत ये है, मैं आपको बताऊं, एक पाकिस्तान की टॉप नॉच हीरोइन हुआ करती थी जिसका नाम था शबनम, वो हिंदू थी। उस वक़्त तो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी मशरकी पाकिस्तान था, वहाँ से ताल्लुक़ रखती थी। 64 में वो उर्दू फिल्मों में आई और फिर लाहौर आ गई, यानी मगरबी पाकिस्तान आ गई, और फिर वहाँ की इंडस्ट्री पे छा गई, और जब तक उसकी जवानी रही वो काम करती रही। हालांकि इस बीच में 1971 हुआ, पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बन गया, तो कई सारे जो बंगाली मुसलमान थे मगरब पाकिस्तान में रहने वाले, वो बांग्लादेश चले गए, यानी ईस्ट पाकिस्तान, अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन शबनम क्योंकि टॉप की हीरोइन थी तो वो नहीं गई, बल्कि उसने तो उसके बाद भी बड़ी कामयाब फिल्मों में काम किया उसने, और उसकी सबसे कामयाब फिल्म तो आपको शायद इल्म न हो बहुतों को, आईना थी। आईना जिसमें शबनम थी, हीरो नदीम था। भारत की 2-3 फिल्मों की कॉपी करके मिला के बनाया गया था, काजी नजरुल इस्लाम उसका डायरेक्टर था, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बनी थी, और इतनी अच्छी बनी थी कि तकरीबन ये मेरे ख्याल में 1975 में इसको रिलीज़ किया गया था, और जैसे हिंदुस्तान में शोले फिल्म 5 साल एक ही सिनेमा में चली थी, इसी तरह ये फिल्म भी आईना भी कराची के इस्काला सिनेमा में 5 साल के लिए लगातार चली थी। ये एक रिकॉर्ड है, और उसकी कॉपी करके फिर हिंदुस्तान में एक फिल्म बनाई गई थी, प्यार झूमता ने, मिठुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कलकत्ता की एक खातून हैं नंदिता दास,
माणिकतला में रहती हैं, और उन्होंने टाइम्स के रिप्रेजेंटेटिव को बताया कि उसकी बहन, अभी ये जो शबनम है ना, ये उसकी बहन है, उसका ओरिजिनल नाम था झरना भासक, हिंदू है, उसकी शादी एक ईसाई रोबिन घोष, म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करता था, अभी वो तो फौत हो गया है, उसके साथ हुई थी। तो वो कहती है नंदिता दास कि मैं पिछले 4-5 दिन से कोशिश कर रही हूँ फ़ोन लगाने की, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा, और मुझे कुछ पता नहीं, भगवान करे वो उसको कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन जिनके भी अभी क्या है 47 की मतलब पार्टीशन हो या ये 71 की पाकिस्तान की पार्टीशन हो, इसमें कई खानदान जो है ना हिस्सों में बट गए हैं। बंगाली खानदान बांग्लादेश और मगरबी बंगाल में बट गए, पंजाबी सिंधी वगैरह जो हैं वो मगरबी पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान है, और हिंदुस्तान में बट गए। तो ऐसा तो है नहीं कि सब के सब हिंदू इधर आ गए या सब के सब मुसलमान यहाँ से वहाँ चले गए, तो खानदान बटे हुए हैं दोनों जगहों पर, तो उन सबको एक दूसरे की फिक्र तो लगी ही रहती है। अच्छा अभी मैं आपको बताऊं, इसका जो सबब है, जो रीज़न है, रीज़न डित्रे कहते हैं, वो क्या है, वो ये है कि शेख हसीना वाजिद जो कि 15 साल से हुकूमत कर रही है, उसने अचानक ये फैसला कर लिया कि बांग्लादेश में जो भी नौकरियां होंगी उनमें 30% रिजर्वेशन दी जाएगी, जो 1971 की जंग आज़ादी में जिन्होंने हिस्सा लिया था उन खानदानों को। अब इससे यानी इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए कि मोस्टली इससे फ़ायदा होगा अवामी लीग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को। ये बात फ्रॉम द वेरी बिगनिंग गलत है। हकीकत में तो किसी किस्म की रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, न नौकरी में, न एडमिशन्स में, दाखिलाओं में, लेकिन भारत में तो 47 से चालू है, उल्टा बढ़ाते ही जा रहे हैं। अब भारत में तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को देते हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस को दी जाती है, और उनकी कहते हैं कि 60-65% तो उनकी आबादी है भारत में। अब जब अक्सरियत की जो अगर ख्वाहिश है तो जमहूरियत में तो यही होता है, जो अक्सरियत चाहती है वही होता है, तो इसीलिए भारत में तो वो चल सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि भारत में रिजर्वेशन के खिलाफ मुंह से एक चूं भी निकाले, लेकिन बांग्लादेश में तो ऐसी बात है नहीं। बांग्लादेश में अवामी लीग वाले इतने थोड़ी हैं कि उनके लिए आप 30% का रिजर्वेशन रखें। अब इसकी वजह से लोग उठ खड़े हुए हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बेगम खालिदा ज़िया की और जमा इस्लामी वाले, और उसकी वजह से पूरा बांग्लादेश जल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, 135 आदमी जान बहक हो चुके हैं, मर चुके हैं 3-4 दिनों में। अब ये तो सरकारी आदाद व शुमार आंकड़े हैं, हकीकत में कितने लोग जान गंवा चुके हैं खुदा बेहतर जानता है। सब लोगों को फिक्र है, भारत ने तकरीबन 1000 भारत के शागिर्द जो वहाँ पर पढ़ने को गए हुए थे उनको वापस लाए हैं, अब भी कहते हैं कि भारत के 500-600 शागिर्द और भी हैं, उनको भी लाना पड़ेगा। सबको अपने अपने नज़दीक जो होते हैं उनकी फिक्र रहती है, लेकिन दुख की बात यह है कि बेगम शेख हसीना वाजिद को इसकी कोई फिक्र नहीं। उसने बजाय इसके कि उन तलबा को बुला के उनसे बात करे, उनकी बात सुने, या फिलहाल कम से कम ये ऐलान कर दे कि हम इस पर अमल नहीं करेंगे जब तक आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फ्रैंकेनस्टाइन है ना, वो अपना फ़ायदा ले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाइए, 1977 की मैं बात बता रहा हूं आपको। भुट्टो इलेक्शन जीता था, मार्च 1977 में हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन उसके खिलाफ मुहिम चलाई थी अपोजिशन में वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि इसने रिगिंग की है, धांधली की है,
और फिर लगातार मुजाहरे होते रहे। हालत ये हो गई कि भुट्टो का जो तख्त है वो हिलने लगा। मुझे याद है कि तकरीबन 2 तारीख या 3 तारीख थी जुलाई 77 की, भुट्टो ने नेशन को एड्रेस किया था, तकरीर की थी। उसमें उसने कहा था, मैं भले ही कमज़ोर सही, मेरी कुर्सी कमज़ोर नहीं है। मेरे भाई, तुम्हारी कुर्सी इसकी वजह से नहीं है कि तुम भुट्टो हो, इसकी वजह से है कि फौज तुमको तब तक इज्जत दे रही थी। उसके 2 दिन बाद 5 जुलाई आधी रात को जनरल ज़िया ने आके उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर 11 साल तक जम के बैठा रहा। इसी तरह शेख हसीना वाजिद को भी ये सोचना चाहिए। बांग्लादेश में भी अब तक 4 कू आ चुके हैं। 75 में तो इनके पूरे खानदान को कत्ल किया गया था। ये तो बेगम शेख हसीना वाजिद जो है उस वक्त वहाँ नहीं थी, जर्मनी में थी, इसीलिए बच गई, नहीं तो ये भी मारी जाती। 75 में ये हुआ, 82 में हुआ और 96 में हुआ और जो है 2007 में अभी तक हुआ। अब अगर आप ऐसे ही ज़िद करेंगी, और क्या है जमहूरियत का मतलब, ये नहीं है कि आप मुतलक अनान बन जाएं, आप एक डिक्टेटर बन जाएं, आपको फिर भी लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी नहीं थोपनी चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी, इससे पहले कि कोई फ्रैंकेनस्टाइन आ जाए और आपको अपने ओहदे से हटा दे, फिर से बांग्लादेश में फौज की हुकूमत हो जाए, जो कि न होनी चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान में होता रहा है, बांग्लादेश में भी होता रहा है कई मरतबा। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होने की तवक्कुआत की जा सकती है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।